इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्रीज, वेरी गुड, 100 डिग्री, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, अच्छा, प्राउड पीपल यू सी। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर 100 डिग्रीज टेम्परेचर ना हो, 100 डिग्रीज टेम्परेचर ना हो, मान लो 99 डिग्रीज है, तो क्या पानी बॉइल हो जाएगा, क्या क्या पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, 99 डिग्रीज, एक डिग्री कम है, तो क्या पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या, आई एम जस्ट आस्किंग, प्लीज बी क्विक एंड लेट मी नो, नहीं होगा। तो बेटा जी, जब आपको यह बात पता है ना कि वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो जीवन का एक सिद्धांत समझ जाना कि जीवन में सीए बनना है या फॉर दैट मैटर कोई भी काम करना है, तो उस काम करने के लिए आपको उस लेवल तक जाना ही पड़ता है जो लेवल वहां पर अपेक्षित होता है। पढ़ाई के केस में बच्चों को कहां दिक्कत होती है पता है क्या, बच्चा ये सोचता है कि सर जी मैंने थोड़ा सा तो किया ना, सर मैंने इतना तो किया ना, तो उसका तो रिटर्न मिलना चाहिए ना, भगवान रिटर्न नहीं देता है। जब 99 डिग्रीज पर होता है तब भी वाटर हॉट वाटर ही होता है, बट उसको वाटर हॉट ही बोलते हैं, वाटर ही बोलते हैं उसको, पानी गर्म या ठंडा उससे फर्क नहीं पड़ता, है पानी, बट बेटा जी 100 डिग्रीज जब आता है तब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो जब आप अपना एक वजूद चेंज करना चाहते हो, तो बेटा जी पुराने तरीके अब काम नहीं आने वाले, आपको नेक्स्ट लेवल हासिल करना है तो आपको उस लेवल तक आना पड़ेगा। यदि आप आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये बात ध्यान रहे कि आपको वो नियति के रूल से वो फॉलो करने पड़े। कई बार क्या होता है पता है क्या, कि हम हमारे मन से झूठ बोल लेते हैं, या हम ऐसे ही बोल लेते हैं कि क्या है कि मैं तो पास हो जाएगा, मैं तो ये कर लेगा, मैं तो वो कर लेगा, राइट। बचपन में जो सबसे खास बात होती है आपके साथ वो यही होती है कि आपके अंदर वो जुनून होता है कि हम कुछ भी चीज कर गुजरेंगे, का भरोसा होता है। बट बेटा जी अभी अपने दिल से पूछिए कि अगर आप करोगे ही नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट ओनली, विल दैट थिंग हैपन, नॉट गोइंग टू हैपन। तो राजा बेटा जी आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके हैंडराइटिंग को अच्छे से लिखते वक्त ध्यान रहे कि आपके हर एक अक्षर बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंटेबल हो। अगर आप नहीं करोगे तो बेटा जी पास होने की अपेक्षा मत रख। मैं आपको और एक चीज बता दूं बेटा जी, सीए कोर्स में गारंटी फेल होते हैं, पास नहीं होते। शुरुआत से ईमानदारी से काम करना, जो ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, वो आगे बढ़ेगा। ऐसा वाला जुगाड़ इधर नहीं चलेगा कि सर पांच ऑप्शन है तो पांच में से चार ही लिखने, तो एक टॉपिक को तो मैं ऑप्शन में छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं। क्योंकि आधे अधूरे सीए भी बनोगे तो क्या फायदा आएगा, क्लाइंट आएगा पूछेगा कि बेटा ये वाली चीज कहां पे गई, तो तुम क्या बोलोगे, ऑप्शन ने दिया था सर, ये सर ने नहीं सिखाया था, नहीं ऐसा नहीं है। जिम्मेदारी अपने पर लो और अच्छे से हर चीज कंप्लीट कर, ठीक है। पर ध्यान रखना 99 डिग्रीज तक आकर संतुष्टि मत करना, आपको अगर 100% जाओगे तभी पास होगे। और ध्यान रखना ईमानदारी से काम करो, माँ बाप की बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आनंद सर की बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति ने आपको ये बोलना नहीं है कि आप ये करो। जिस दिन आप काम करने खुद से लग जाओगे ना, आज आपको और एक चीज समझाता हूं, अब जंगल कानून बताता हूं। जंगल में क्या होता है, जब एक हरिन होता है, हरिन समझते हो, डियर, डियर का बच्चा जो होता है ना, तो जो डियर का बच्चा जो होता है ना, उसका जन्म होता है, जन्म होने के बाद में कुछ समय तक डियर की माँ उसको प्रोटेक्ट करती है, और उसके बाद में उसको क्या चीज सिखाई जाती है मुझे ये बताओ। जंगल का कानून है, आप अगर जंगल चले जाओगे तो क्या होगा, जंगल का कानून है, तो डियर की माँ उसको क्या सिखाएगी, रन फास्ट या रन स्लो, रन फास्ट और रन स्लो, सर्वाइवल, वेरी गुड। तो रन फास्ट और रन स्लो, फाइट फॉर योरसेल्फ, फाइट नहीं कर सकता, फाइट नहीं कर सकता, यू हैव टू स्ट्रेंथन योर स्किल्स, यू हैव टू रन फास्ट। या उसकी माँ बोलेगी, नहीं बेटा कोई बात नहीं, इतना क्यों करता है काम, रुक जाना, क्यों भागता है इतना, तेरे पैर दुख जाएंगे बेटा, नहीं भागना बेटा, रुक जाना बेटा, क्यों भाग रहा है तू, मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा, तू भागता है फिर मुझे भागना पड़ता है, मेरी भी नींद खराब होती है, बताओ मुझे, ऐसा कुछ होता है क्या बेटा। हमें बहुत चीजें गलत सिखाई जाती है, तो सीधा सिंपल सा बात है बेटा, आ जाना, तुम चांद पर पहुंच गए, मार्स पर पहुंच गए, अभी पता चला कि चाइना के लोग मार्स पर पहुंच गए, प्रगति बहुत फास्ट हो रही है, डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, मशीन्स आर रिप्लेसिंग सो मेनी थिंग्स सो वेरी फास्ट ह्यूमन। अब बेटा जी होता क्या है कि जिस दिन तुम ये बन जाते हो, या जिस दिन भी तुम जॉब करने के लिए जाओगे, कभी ना कभी तो जाओगे ना, तुम तुम्हारा काम करना शुरू करोगे, तो वहां पर चलता है जंगल राज। जंगल राज मतलब क्या, कोई आपके ऊपर दया सिंपति नहीं रखता। तो जब आप जैसे कोई जींस बाय करने जाते हो, वॉच बाय करने जाते हो, तो आप क्या करते हो, आप भी चार बार देखते हो, प्राइस के बारे में तोल मोल करते हो, सही से पूछते हो, ऐसा नहीं कि आप किसी से दया लेकर, ठीक है भिखारी पर दया की जा सकती है, और उसको हम करोड़ों रुपए नहीं देते। जब आप किसी को करोड़ों रुपए या कोई घर ले रहे हो, कर रहे हो, तो आप पूरी तफ्तीश करते हो, पूरा एनालाइज करते हो कि सब कुछ सही है कि नहीं है, और उसके बाद में ही आप बड़े बड़े डिसीजन लेते हो कि नहीं लेते, पूरा एनालिसिस करते हो, अगर बैंक से लोन लेना है तो बैंक 10 बार देते हो, तो वहां पर चलता है जंगल का कानून। और जंगल के कानून में जो पहले वहां पर पहुंच जाएगा, जो पहले पहल कर देगा, जो पहला काम कर देगा, वो आदमी जीत जाएगा।
they're harder to grind. Some of you in this room, you might have small beginnings. You might not have a lot of money. You might not have a lot of resources, but there's no excuse. And I need you to understand that the bigger your dream is, the earlier you're gonna have to get up. The longer you're gonna have to stay up, the more effort you're gonna have to put in.